Hello friends, this is the class of Shivam sir, and today we will discuss the questions which have been repeated in examination from the chapter evolution. So, दोस्तों आप लोगों में से कुछ लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि सर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और रिपीट क्वेश्चंस को डिस्कस कराएं. तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कौन से क्वेश्चंस रिपीट हुए एग्जाम में और कितनी बार रिपीट हुए हैं. आज हमने इवोल्यूशन चैप्टर को लिया है, जल्दी हम सारे चैप्टर साथ इवोल्यूशन के को आज करेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे सारे चैप्टर्स को हम कवर करेंगे, देखेंगे कौन से क्वेश्चन एग्जाम में कितनी बार रिपीट हुए हैं. दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारे चैनल पर अपलोड होने वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले. तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज होमोलॉगस टू द विंग ऑफ अ बर्ड. पहले हम होमोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे कि इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज होमोलॉगस टू द विंग ऑफ अ बर्ड. ऑप्शन ए डॉर्सल फिन ऑफ शार्क, ऑप्शन बी विंग ऑफ अ मोथ, ऑप्शन सी हिंड लिंब ऑफ रैबिट एंड ऑप्शन डी फ्लिपर ऑफ व्हेल. और मुझे पता है कि आप सबको इसका करेक्ट आंसर पता होगा, मैंने ऑलरेडी इवोल्यूशन का वीडियो पूरे चैप्टर का वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड किया है, तो उसके लिए आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो. तो दोस्तों यह क्वेश्चन 2016 में आया था, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फ्लिपर ऑफ व्हेल. नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर लिम्स ऑफ कैट लिजार्ड यूज्ड इन वॉकिंग, फोर लिम्स ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग एंड फोर लिम्स ऑफ बैट्स यूज्ड इन फ्लाइंग आर एन एग्जाम्पल ऑफ. कैट और लिजार्ड में फोर लिम का इस्तेमाल चलने के लिए होता है, व्हेल अपने फोर लिम का यूज तैरने के लिए करती है, जबकि बैट्स अपने फोर लिम का यूज उड़ने के लिए करते हैं. ये किसके एग्जाम्पल हैं? ऑप्शन ए एनालॉगस ऑर्गन्स, ऑप्शन बी एडॉप्टिव रेडिएशन, ऑप्शन सी होमोलॉगस ऑर्गन एंड ऑप्शन डी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होमोलॉगस ऑर्गन. देखो दोस्तों होमोलॉगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका ओरिजिन सेम होता है और फंक्शन डिफरेंट होता है, और होमोलॉगस ऑर्गन्स को हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में भी देखते हैं. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. ये भी क्वेश्चन आया था 2014 में, तो पहले आया 2016 में, 2014 में, हर एक साल के डिफरेंस पे आता है. तो दोस्तों मेरा ये जो बुक है इस बुक में केवल 2017 तक ही क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 2018 में भी होमोलॉगस ऑर्गन का क्वेश्चन आया था. होमोलॉगस और एनालॉगस से एक एक क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में भी आया था, लेट के एग्जाम में. नेक्स्ट क्वेश्चन है थॉर्न ऑफ बुगेनविलिया एंड टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा आर एग्जाम्पल ऑफ. बुगेनविलिया के जो थॉर्न होते हैं और कुकुरबिटा के जो टेंड्रिल्स होते हैं किसके एग्जाम्पल हैं? ऑप्शन ए एनालॉगस ऑर्गन, ऑप्शन बी होमोलॉगस ऑर्गन, ऑप्शन सी वेस्टिजियल ऑर्गन एंड ऑप्शन डी रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन. करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी होमोलॉगस ऑर्गन, क्योंकि मैं होमोलॉगस ऑर्गन्स को ही आपको डिस्कस करा रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन आए हैं. एक क्वेश्चन था 2008 में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स करेक्टली द होमोलॉगस स्ट्रक्चर. अब यहाँ भी पूछ लिया, अभी तक आपको ऑर्गन्स को देता था, पूछता था बताओ कौन से हैं, अब दे दिया कि इनमें से कौन से होमोलॉगस हैं, बस उसी को दूसरी तरह से पूछा गया. ऑप्शन ए ऑर्गन्स अपियरिंग ओनली इन एम्ब्रियोनिक स्टेज एंड डिसअपियरिंग लेटर इन द एडल्ट. वे ऑर्गन जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में दिखते हैं बड़े एडल्ट होने पर डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं. ऑप्शन बी ऑर्गन्स विथ एनाटॉमिकल सिमिलरिटी बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन. ऑर्गन्स एनाटॉमिकली सिमिलर हैं लेकिन अलग अलग फंक्शन को कर रहे हैं. ऑप्शन सी ऑर्गन्स विथ एनाटॉमिकल डिसिमिलरिटीज बट परफॉर्मिंग सेम फंक्शन. एनाटॉमिकली ऑर्गन डिसिमिलर हैं लेकिन सेम फंक्शन को कर रहे हैं. एंड ऑप्शन डी है ऑर्गन्स दैट हैव नो फंक्शन नाउ बट हैड एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन एंसेस्टर. वे ऑर्गन जिनमें जिनका बॉडी में कोई काम नहीं, कोई फंक्शन नहीं करते लेकिन एंसेस्टर्स में करते थे. तो दोस्तों इसका भी करेक्ट आंसर वही होगा ऑप्शन बी ऑर्गन्स विथ एनाटॉमिकल सिमिलरिटीज बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन. हम होमोलॉगस ऑर्गन के लिए बोलते भी हैं कि वे ऑर्गन जिनकी ओरिजिन सेम हो, एनाटॉमिकली सेम ओरिजिन के हों लेकिन फंक्शन अलग अलग करते हैं. एक क्वेश्चन था 2003 में, तो देखिए 2018 में आया है, 16 में आया है, 14 में आया है, 8 में आया है, 2003 में आया है होमोलॉगस स्ट्रक्चर. अभी और भी क्वेश्चन हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग आर होमोलॉगस ऑर्गन, इनमें से कौन से होमोलॉगस ऑर्गन है? ऑप्शन ए विंग ऑफ बर्ड्स एंड लोकस्ट, ऑप्शन बी विंग्स ऑफ बर्ड्स मीन्स स्पैरो एंड पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिश,
Option C, wings of bat and butterfly, and option D, legs of frog and cockroach. यहाँ भी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, विंग्स ऑफ बर्ड्स स्पैरो एंड पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिशेस। ये क्वेश्चन है 2002 में, तो यहाँ तो बैक टू बैक पूछ लिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 69 भी हमलावा सार्गन ही है, इवोल्यूशन चैप्टर का हमलावा सार्गन सार फिर पूछ लिया कौन से हमलावा हैं। ऑप्शन ए, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बैट, ऑप्शन बी, गिल्स ऑफ फिश एंड लंग्स ऑफ रैबिट, ऑप्शन सी, पेक्टोरल फिन्स ऑफ फिश एंड फोलियम्स ऑफ हॉर्स, एंड ऑप्शन डी, विंग्स ऑफ ग्रास ओपर एंड क्रो। तो इसके लिए भी करेक्ट आंसर वही होगा ऑप्शन सी, पेक्टोरल फिन ऑफ फिशेस एंड फोलियम्स ऑफ हॉर्स। यह क्वेश्चन दो बार पूछा गया है 1994 और 1999 में, तो यहाँ पर दो बार, तो आप देख गिन सकते हो ये क्वेश्चन इस टॉपिक से क्वेश्चन कितनी बार पूछा जा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। फिर क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ऑल होमोलॉगस ऑर्गन, इनमें से कौन से सभी होमोलॉगस ऑर्गन को इंक्लूड कर रहे हैं। तो आंसर है ऑप्शन बी, फोलिम्ब ऑफ फ्रॉग, विंग ऑफ बर्ड एंड फोलिम्ब ऑफ रैबिट। यह भी 1997 में पूछा गया था। तो टोटल 8 से 10 बार एक क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछा गया है पिछले 30 सालों में, तो एक ही क्वेश्चन 10 बार आ रहा है। ऐसे मैंने इस आज के इस वीडियो में 5-6 टॉपिक कवर करूंगा जो कुल मिला के 35 से 40 क्वेश्चन को कवर करते हैं, तो वो आपका 5-6 टॉपिक क्लियर रहेगा, तो आप 35-40 क्वेश्चन भी आपके प्रिपेयर रहेंगे। और एग्ज़ाम के हिसाब से जिस तरह से पर एक एक साल दो साल के डिफरेंस पे आते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन 2019 में से भी, इनमें से बहुत सारे कुछ टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। अगला टॉपिक है फिर से होमोलॉगस ही 79, होमोलॉगस ऑर्गन्स आर दोज दैट शो सिमिलरिटी इन, होमोलॉगस ऑर्गन्स वे होते हैं जो कि सिमिलरिटी दिखाते हैं। ऑप्शन ए साइज में, ऑप्शन बी ओरिजिन में, ऑप्शन सी फंक्शन, एंड ऑप्शन डी अपीयरेंस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओरिजिन, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन। 1995 में भी पूछा है, 1994, 1995, 1997, 1999, भाई हर एक साल के डिफरेंस पे क्वेश्चन आया। तो इतने सारे क्वेश्चन थे जो कि होमोलॉगस से थे। अब आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन है एनालॉगस स्ट्रक्चर सारा रिजल्ट ऑफ, एनालॉगस स्ट्रक्चर किसके रिजल्ट परिणाम स्वरूप होते हैं। ऑप्शन ए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन बी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ऑप्शन सी शेयर्ड एंसेस्ट्री, एंड ऑप्शन डी स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दोस्तों यह आया था 2016 में, 2018 में भी आया क्वेश्चन। अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एनालॉगस स्ट्रक्चर, इनमें से कौन सी एनालॉगस स्ट्रक्चर है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए विंग्स ऑफ बैट एंड विंग्स ऑफ पिजन, बैट और पिजन के जो विंग्स होते हैं। ऑप्शन बी गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन, प्रॉन में जो गिल्स होते हैं और मैन में जो लंग्स होते हैं। ऑप्शन सी थॉर्न्स ऑफ बोनविलिया एंड टेंडल्स ऑफ कॉर्विटा, एंड ऑप्शन डी फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ हॉर्स। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन, ये दोनों एनालॉगस स्ट्रक्चर हैं, डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन। 2014 में आया था। फिर नेक्स्ट है द आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर एट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टोपस की जो आई होती है और कैट की जो आई होती है, वे उनके जो स्ट्रक्चर का पैटर्न होता है अलग अलग होता है लेकिन एक ही फंक्शन करते हैं दोनों, किसके एग्जाम्पल हैं। श्योर है इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी एनालॉगस ऑर्गन दैट हैव इवॉल्व ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यानी 2013 में आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इवॉल्व सिमिलर फिनोटाइपिक एडेप्टेशंस इन रिस्पॉन्स टू अ कॉमन एनवायरमेंटल चैलेंजेस कॉल्ड, वह प्रोसेस जिसके द्वारा एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से है लेकिन उनके अंदर सेम फिनोटाइपिक एडेप्टेशन डेवलप होता है एनवायरमेंट के रिस्पॉन्स में, उसे क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा फिर से वही ऑप्शन ए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि जो भी एनालॉगस ऑर्गन्स होते हैं वे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से ही होते हैं। 2013 में भी आया था। फिर देखते हैं, वेन टू स्पीसीज ऑफ डिफरेंट जीनियोलॉजी कम टू रिजेंबल ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ एडाप्टेशन द फिनोमेनन इज टर्म्ड, जब दो स्पीसीज अलग अलग जीनस की होती हैं, ठीक है, और वे एडाप्टेशन के परिणाम स्वरूप एक दूसरे से मिलने लगती हैं, इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, फिर से वही करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। 2007 में भी पूछा, तो देख लेना आप ये देखिए क्वेश्चन को का जो लैंग्वेज है पूछने का उस पर ध्यान दीजिए, बस इसी तरह से हर साल थोड़ा सा चेंज करता है और क्वेश्चन वही रहता है। जब आप इसे समझ लोगे फिर आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉमन टू व्हेल सील एंड शार्क,
व्हेल, सील और शार्क में क्या कॉमन है? फिर से आंसर वही होगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इलस्ट्रेटेड बाई इनमें से कौन से एग्जाम्पल कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शुरू करते हैं? ऑप्शन ए डॉग फिश एंड व्हेल, ऑप्शन बी रेट एंड डॉग, ऑप्शन सी बैक्टीरियम एंड प्रोटोजोअन एंड ऑप्शन डी स्टार फिश एंड कटल फिश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डॉग फिश एंड व्हेल, फ्लिपर्स और फिन्स। ये क्वेश्चन 2003 में आया था। क्वेश्चन नंबर 60, सिमिलरिटी इन ऑर्गेनिज्म विथ डिफरेंट जीनोटाइप इंडिकेट्स। ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी है लेकिन वे अलग अलग जीनोटाइप के हैं, मीन्स करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये भी एनालॉगस ऑर्गन है। तो आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहा है क्वेश्चन इन टॉपिक से। तो अगर आप इसको क्लियर रखते हो तो फिर आपका एकदम पक्का है कि इससे आपसे गलतियाँ बिल्कुल नहीं होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 74, 1996 में पूछा गया है, द काइंड ऑफ इवोल्यूशन इन विच टू स्पीसीज ऑफ डिफरेंट जीनियोलॉजी कम टू रिजेंबल वन इन अदर क्लोजली स्टर्मलाइज। फिर से वही लैंग्वेज है, डिफरेंट जीनियोलॉजी मतलब अलग अलग जीनस की। करेक्ट आंसर होगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, 1996 में पूछा गया था। 1993 में भी पूछा गया था, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस इज डेवलपमेंट ऑफ, इवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? तो डेवलपमेंट क्या होगा? वही कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ एंसेस्ट्री। 86 का आंसर यही होगा, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 1993 में भी पूछा था। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसीज विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाई चांस रेदर देन नेचुरल सिलेक्शन इज रेफर टू एज। जीन फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन आता है, ठीक है, एक पॉपुलेशन के अंदर बाई चांस नेचुरल सिलेक्शन के, उसे हम क्या करते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो हम जेनेटिक ड्रिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, तो 2013 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैंडम यूनिडायरेक्शनल चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी दैट अकर्स बाई चांस इन ऑल पॉपुलेशन एंड स्पेशली इन स्मॉल पॉपुलेशन इज नोन एज। फिर से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी जेनेटिक ड्रिफ्ट, 2013 नीट केरला में आया था। क्वेश्चन नंबर 51, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट इन पॉपुलेशन प्रोबेबली रिजल्ट फ्रॉम, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट किसी भी पॉपुलेशन में किस वजह से आता है? करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है 51 का ऑप्शन सी इन ब्रीडिंग विद इन दिस पॉपुलेशन। फिर से जेनेटिक ड्रिफ्ट ही पूछा, लैंग्वेज को चेंज किया, पूछने का तरीका बदला। 2003 में यह क्वेश्चन आया था। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जेनेटिक ड्रिफ्ट से ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली, जेनेटिक ड्रिफ्ट केवल कहाँ पे ऑपरेट होता है? ऑप्शन ए स्मॉल पॉपुलेशन, ऑप्शन बी लार्जर पॉपुलेशन, ऑप्शन सी मेंडेलियन पॉपुलेशन एंड ऑप्शन डी आइसलैंड पॉपुलेशन। तो पहले ही हमने देखा जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन दो बार आया था, मतलब यहाँ पर लिखा गया है कि 1998 और 2002 में सेम टू सेम यही पूछा गया है, बस डायरेक्ट इसी स्टेटमेंट के थ्रू पूछा गया है, इसमें कोई वेरिएशन नहीं किया गया है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट भी काफ़ी पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी जेनेटिक ड्रिफ्ट का ही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एलील इन आइसोलेटेड पॉपुलेशन में चेंज ड्यू टू, किसी भी एलील की फ्रीक्वेंसी आइसोलेटेड पॉपुलेशन में चेंज हो सकती है किसके कारण? जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण, 2001 में ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ चेंज ऑफ, जेनेटिक ड्रिफ्ट एक चेंज है, ठीक है, पूछा जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में, अभी तुम आपको स्टेटमेंट देता था अब, तो वही फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन के फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है वही क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जीन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में अगर चेंज आता है तो वही क्या है? जेनेटिक ड्रिफ्ट है। 1993 में पूछा गया है। अब हमारा आपसे अभी स्टार्ट हो रहा है एडाप्टिव रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 13, इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड सेपरेट स्प्रेडिंग टू अदर जियोग्राफिकल एरियाज इज नोन एज। इवोल्यूशन होता है, ठीक है, एक स्पीसीज में अलग 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 स्पीसीज के जो इवोल्यूशन, एक एरिया से दूसरे से शुरुआत होती है, दूसरे एरिया में पहुँचता है जब जियोग्राफिकल आइसोलेशन के कारण, ठीक है, जियोग्राफिक, तो उसे क्या कहा जाता है? एडाप्टिव रेडिएशन कहा जाता है। 2012 में आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स वन करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने इसे एडाप्टिव रेडिएशन में ही ले लिया था, बट आपको देना चाहिए था होमोलॉगस एनालॉगस के बीच में, तो मैंने पहले ही टिकिंग किया था तो यहीं पे आ गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा करेक्ट मैचिंग देता है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का,
तो वो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। आइजा फाक के ऑक्टोपस एंड मेमल्स कन्वर्जेंट है, अब वो सा फॉलिम्स एंड वर्टिवेट्स क्या है, डाइवर्जेंट है। अगर आपने वीडियो मेरा देखा होगा एवोल्यूशन का तो आपको इसका आंसर पता होगा। दूसरे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आता है डार्विनिज्म, डार्विनिज्म फिंचेज आर एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ डार्वी डार्वी और डार्विन के जो फिंचेज थे वे किसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं। फिर वो भाई यही होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ही एडाप्टिव रेडिएशन। क्यों मैंने सारे क्वेश्चन ही उस टॉपिक से ही सिलेक्ट करके उस तरह से लगाए हैं, तो यहाँ भी करेक्ट आंसर है एडाप्टिव रेडिएशन। फिर आता है डार्विन फिंचेज आर गुड एग्जाम्पल ऑफ, इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, फिर से करेक्ट आंसर ऑप्शन सी एडाप्टिव रेडिएशन। 2010 में भी पूछा और 2008 में भी पूछा, तो यहाँ ये क्वेश्चन भी बार बार आएगा। फिर आता है एडाप्टिव रेडिएशन रिफर्स टू, एडाप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 30 है आपकी बुक का। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, अलग अलग स्पीसीज का एक कॉमन एंसेस्टर से इवोल्यूशन होना। माइग्रेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज टू डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज, किसी एक स्पीसीज के जब मेंबर अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में माइग्रेट कर जाते हैं तो उसे हम एडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। सी है पावर ऑफ एडाप्टेशन इन एन इंडिविजुअल टू अ वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट, एक इंडिविजुअल के अडाप्टिव पावर को बताता है अलग अलग इन्वायरमेंट जब अडाप्ट कर जाते हैं। डी है अडाप्टेशन जो कि जियोग्राफिकल ऑसिलेशन के कारण, मतलब जियोग्राफिक बदलाव के कारण, परिवर्तन के कारण जो अडाप्टिव कैपेसिटी आती है उसे अडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। तो सारे दोस्तों करेक्ट आंसर है इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, एक ही एंसेस्टर से अलग अलग स्पीसी का इवोल्यूशन होता है तो उसे अडाप्टिव रेडिएशन कहता है। 2007 में भी पूछा गया है। हमिंग बर्ड एंड हॉक इलस्ट्रेट, हमिंग बर्ड और हॉक में क्या अंतर है, ये किस चीज़ को बताते हैं, तो करेक्ट आंसर वही होगा ऑप्शन सी एडाप्टिव रेडिएशन। दोस्तों तो मैंने सारे क्वेश्चन सी उसमें माइनर में लगाए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। 1988 में भी पूछा गया है एडाप्टिव रेडिएशन एनसीईआरटी से ही है। तो अगला टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एज ऑब्जर्व इन पेपर्ड माउथ प्रूफ्स दैट, जैसा कि हम पेपर्ड माउथ के अंदर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म को देखते हैं तो किस चीज़ को प्रूव करता है। दोस्तों मैं ये वीडियो में चाहता हूँ कि छोटा बने, मैं इसे बड़ा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बताऊँगा। अगर आपने वीडियो देखा है मेरा पहले का तो आपको आंसर पता होगा, नहीं भी देखा है तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, द ट्रू बैक मेलानिक फॉर्म्स अराइज बाई अ रीअकरिंग रैंडम म्यूटेशन, दोबारा जो रैंडम म्यूटेशन होता है उसकी वजह से जो ट्रू ब्लैक मेलानिक फॉर्म्स है वे बढ़ जाएंगे और वाइट जो होंगे लाइट फॉर्म होंगे वे घट जाएंगे, उनकी संख्या कम हो जाएगी, वही इंडस्ट्रियल मेलानिज्म था। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। और एक क्वेश्चन आया था 2007 में। फिर अगला क्वेश्चन भी इसी से है, नेचुरल सिलेक्शन, और पता कि नहीं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म भी एक नेचुरल सिलेक्शन का ही एग्जाम्पल है, तो मैंने नेचुरल सिलेक्शन दोनों को साथ में रखा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना सपोर्ट्स डार्विन कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, इनमें से डार्विन का कौन सा फिना, ठीक है, इनमें से कौन सी फिना डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 37 है और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रीवेलेंस ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस इफेक्ट। आप देखते हो कि किसी भी इंसेक्ट को बार बार अगर हम एक ही पेस्टिसाइड से मारने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, उससे लड़ने की क्षमता आ जाती है। क्योंकि भाई आप उसका यूज़ करोगे तो ज़रूर उसके जीन में कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा, कोई ना कोई बच ही जाएंगे और फिर उनमें क्या होगा, रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, वो इससे नहीं मरेंगे। 2005 में पूछा गया है, नेचुरल सिलेक्शन भी इसे हम बोल सकते हैं। फिर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म 2003 में पूछा गया है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म में एग्जांपल आप किसका एग्जांपल है, डिफेंसिव अडाप्टेशन ऑफ स्किन अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचने के लिए है। फिर बी है ड्रग रेजिस्टेंस, सी है डार्कनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्रीज, स्किन डार्क हो गई इंडस्ट्रीज से स्मोक निकलने के कारण। एंड डी है प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस विद द सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग से उन्हें प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस मिला, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस फ्रॉम सराउंडिंग, क्योंकि जब स्मोक निकला तो उससे क्या हुई, जो प्लांट्स थे उनके उनका बार ब्लैक हो गया और जो डार्क कलर थे वे बच गए और जो वाइट कलर थे फिर उनकी डेथ हो गई, उन्हें जो प्रीडेटर्स थे उन्होंने उनका शिकार कर लिया। एक क्वेश्चन कब आया था, 2003 में आया था। फिर है डार्विन इन हिज नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी डिड नॉट बिलीव इन एनी रोल ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, डार्विन अपने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में इनमें से किस चीज़ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में किसकी भूमिका को नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 और ऑप्शन ए है डिसकॉन्टीन्यूअस वेरिएशंस, ऑप्शन बी पैरासाइट्स एंड प्रीडेटर्स एज नेचुरल इनिमीज, ऑप्शन सी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड ऑप्शन डी स्ट्रगल फॉर रेजिस्टेंस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए डिसकॉन्टीन्यूअस वेरिएशन, इसको ये नहीं मानते कि ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इसकी कोई भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 59 सम बैक्टीरिया एबल टू ग्रो इन स्ट्रेप्टोमाइसिन कंटेनिंग मीडियम ड्यू टू,
कुछ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिन की मीडियम में ग्रो कर सकते हैं किसी कारण। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि उनके अंदर क्या होगा रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा और वे ग्रो कर जाएंगे, इसको हम नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं। 2002 में भी आया था फिनोमेना ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म डेमोन्स्ट्रेट्स। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का जो फिनोमेना है किसको बताती है, नेचुरल सिलेक्शन को बताती है, 1999 में वही पूछा गया है। फिर है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डिवेंसन, किस पे निर्भर रहती है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी चेंज इन जीन कम्प्लेक्स रिजल्टिंग इन हेरिटेबल वेरिएशन, जीन में चेंज आता है और वेरिएशन जो होते हैं वे हेरिटेबल होते हैं, अगले जनरेशन से जाते हैं और उनका नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, 2015 में पूछा गया। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट हुए हैं, अभी और भी क्वेश्चन हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन है मीजोजोइक इरा का, या मीसोजोइक इरा, गोल्डन इरा या एज ऑफ क्रिप्टालिसिस, मीसोजोइक इरा 1994 में पूछा गया था। फिर डायनासोर्स डोमिनेटेड द वर्ल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जियोलॉजिकल इरा, इनमें से किस इरा में डायनासोर्स ने पूरे वर्ल्ड पर कब्जा कर रखा, ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मीसोजोइक इरा। ये भी चार बार पूछा गया नीट के एग्जाम में, इन विच इरा रेप्टाइल्स वे डोमिनेंट, किस इरा में जो रेप्टाइल्स थे वे डोमिनेंट थे, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी मीसोजोइक इरा, क्योंकि डायनासोर्स भी रेप्टाइल्स ही थे। एंड गोल्डन एज ऑफ डायनासोर्स या एज ऑफ रेप्टाइल्स वाज, डायनासोर्स का गोल्डन एज या रेप्टाइल्स का एज किसे कहा जाता है, तो मीसोजोइक इरा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में चार बार पूछा गया है दोस्तों, कुल 40 क्वेश्चन लगभग हैं। इन पाँचों पॉइंट्स से मिला के होमोलॉगस आर्गन, एनालॉगस आर्गन, एडाप्टिव रेडिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक गिफ्ट एंड मीसोजोइक इरा, यहाँ से चार क्वेश्चन है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो प्लीज़ दोस्तों प्लीज़, और वीडियो को ऑनलाइन देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्त, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर नीट 2019।